ये कुतुब मीनार की तरह गोल 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 सीढ़ियां हैं और स्टेप्स काफी बड़े बड़े हैं। 120 सीढ़ी का मिला के चलो तो 340 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। गाइस ये जापान से है, हमें यहाँ मिला था ऊपर मीनार पे। तो से समथिंग टू माय व्यूअर्स इन योर लैंग्वेज, बट से अ गुड वर्ड। ओके वर्ड, ओके गुड वर्ड, गुड वर्ड। किमोची, हावी का किमोची। Amigo de mexicanos, aquí tortilla acción de con máquina de electrónica. Hi, welcome back to my channel guys. You are watching Ryan Rocks. आज है डे थ्री इन दिल्ली और मेरे साथ हैं कुशल भैया। आज हम दोनों निकले हैं लोटस टेम्पल के लिए और मैं भी उसके बाद इंडिया गेट जाएंगे, फिर शायद उसके बाद मैं अपने पुराने पुश्तैनी घर में जाऊंगा अगर वो अभी भी वहाँ पे है तो। तो गाइज हम आ चुके हैं लोटस टेंपल के अंदर और यहाँ पे लोटस टेंपल है मेरे पीछे। अब हम जाएंगे, देखेंगे क्या है ये लोटस टेंपल। इन्होंने मुझे DSLR पे तो व्लॉग बनाना नहीं दिया क्योंकि इनकी कोई सिक्योरिटी इशू होगी, लेकिन वही अगर मोबाइल पर मैं बनाऊँ तो इनको कोई इशू नहीं है। चलो ये भी बढ़िया बात है, वीडियो तो वीडियो है, जहाँ पे मर्जी बना लो। और अब हम जाएंगे अंदर, रील्स वगैरह बनाएंगे। मेरे साथ हैं कुशाल भाई और ऊपर है एक एरोप्लेन, मेरे हिसाब से कोई आ रहा है क्योंकि ये लैंडिंग पोजीशन में है। ऐसे सेम स्ट्रक्चर जो है वो है ओपेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये लैंड के ऊपर बना हुआ है और वो ओशन के ऊपर बना हुआ है, बाकी तो कुछ खास डिफरेंस है नहीं, इसलिए लोटस टेंपल कहते हैं। गाइस जैसा कि आपने सुना हम लोटस टेंपल में, मतलब टेंपल, तो यहाँ पे शूज रिमूव करने पड़ते हैं। ला पहन लूं। और कुशाल भाई यहाँ रसीद ले रहे हैं जूते जमा कराने की। ये देखिए आप, मेरे लोटस टेंपल है, काफ़ी बढ़िया होगा। अब देखते हैं क्या है सिस्टम क्या नहीं, मुझे देखने में तो बढ़िया लग रहा है। अब अंदर पहली बार जाना है तो देखते हैं क्या होता है। गाइस हम यहाँ पे अपने ग्रुप की वेट कर रहे हैं, ये सारा डेलीगेशन अंदर जाएगा, तो चलो वेट करते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। हमने अभी के अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जैसे ही अंदर गए हैं वैसे ही बाहर आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि अंदर है मेडिटेशन के लिए, तो वहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी और जस्ट शांति से बैठना था और हमारे पास इतना टाइम है नहीं और पंजाबी हैं, शांति तो कहीं है नहीं, तो इसीलिए हम बाहर निकल आए हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे एक्सप्लोर करेंगे रेदर देन शांति से बैठेंगे। पता नहीं ये वहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे चिड़ियाघर में शेर हो, लेकिन यहाँ पर तो माली हैं, वो भी दो। चलो अब नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने चलते हैं इंडिया गेट में, तो देखते हैं इंडिया गेट पे क्या होगा। गाइस वैसे जब मैं दिल्ली आता था अपनी मम्मी के साथ या अपने रिश्तेदारों के घर पे रुकता था तो वो साले मुझे घुमाते नहीं थे, बस मैं यहाँ पे बोर होता रहता था कि दिल्ली क्या है, चलो घर चलते हैं। आज मैं अकेला आया हूँ और अच्छे से घूम रहा हूँ और देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गाइस हम जा रहे थे वहाँ पे अंदर पार्लियामेंट में, लेकिन वहाँ पे मोदी की मीटिंग चल रही है तो मैंने अंदर फ़ोन लगा दिया है कि हाँ जी जल्दी से मीटिंग अपनी ख़त्म कर लो, हम आ चुके हैं तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो फिर उसकी मर्जी है यार, हम फिर इंडिया गेट घूम लेंगे। अभी हम यहाँ पर इंडिया गेट में खड़े हुए हैं और पीछे है मेरे PM ऑफिस, PMO। गाइस ये रहा पार्लियामेंट, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में मेरे नाना जी अपनी ड्यूटी किया करते थे जब वो दिल्ली पुलिस में थे, और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ इंडिया गेट, वो काफ़ी दूर है पीछे, तो अभी इंडिया गेट में मैं जाऊँगा और भी आसपास का टूर करूँगा। गाइस मैंने मोदी को फ़ोन किया था कि मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ तो मीटिंग जल्दी ख़त्म करो, उसने मीटिंग तो ख़त्म की नहीं, फिर हमने अपना प्लान ही चेंज कर दिया, तो अब हम जा रहे हैं इंडिया गेट क्योंकि अपनी भी आदत है यार, जो अगर कहीं हमारी बात ना माने तो हम उसको बार बार नहीं बोलते, मोदी होगा अपने ऑफिस में होगा। अब हम आ चुके हैं इंडिया गेट में
यहाँ मैं बचपन में आया करता था, पहले यहाँ पे कैमल राइड, हॉर्स राइड, तंबोला, फैमिली पिकनिक्स, ये सारी चीज़ें रात को चलती थी। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, अब तो इलेक्ट्रिक बाइक के ज़माने आ गए हैं और बच्चों के रिमोट कंट्रोल वाली कार के ज़माने आ गए हैं। लेकिन वो वाले जो ज़माने थे वो बढ़िया थे, लेकिन उसके अलावा भी ये वाला ज़माना भी बढ़िया है, क्योंकि पहले हाथी चलता था तो उसकी पोटी भी सड़क पे घूमती थी, ऊँट की पोटी भी घूमती रहती थी, अभी सफाई है यहाँ पे। ये रहा इंडिया गेट, ये देखो ये रहा पीछे इंडिया गेट, काफ़ी बड़ा है और लोग फोटोज खींच पा रहे हैं अपनी। बचपन हमारा सारा यहीं पे निकला है, यहीं पे संडे को संडे पिकनिक मनाने के लिए आते थे रात को। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई कि काफ़ी सालों के बाद आया हूँ मैं, क्योंकि कहीं और रहते हैं। बस यहाँ पे स्केच वगैरह बनाने के लिए लोग भी हैं काफ़ी, तो हैंड स्केच बनाते हैं ये। और पीछे भी इंडिया गेट है, ये वहीं पर घूम रहे हैं। वह लोकेशन काफ़ी अच्छी आई हुई है, पीछे फाउंटेन भी है, तो सोचा कि हम एक रील बना लेते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं लाल किले में। लाइन बहुत लंबी थी टिकट की, तो जितनी देर में लाइन में लगना था उतनी देर में हम और कितनी डेस्टिनेशन घूम सकते हैं। तो इससे बेटर यही है कि हम यहीं से दिखा दें आपको कि ये हम लाल किले में आए थे। अंदर ना राजा है ना रानी है, उनकी ख़त्म कहानी है, तो हम भी जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो रील वगैरह बना ली बाहर से ही। अब हम जाएंगे शायद जामा मस्जिद, मैं पहले कभी नहीं गया हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, देखते हैं कैसा होता है अंदर से। हाँ, मैं एक बार हाजी अली ज़रूर गया हूँ, लेकिन जामा मस्जिद कभी नहीं गया। गाइस अब हम जा रहे हैं जामा मस्जिद, देख के आते हैं। आज वैसे भी फ्राइडे है, मतलब जुम्मा है आज। गाइस हम वहाँ से आए थे और हम यहाँ जा रहे हैं। गाइस आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम जा रहे हैं यहाँ ऊपर। अभी हमने एंट्री नहीं की है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मेरे जो फेस पे शाइनी सा इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट नहीं है, वो मेरा स्वेट है। गाइस ये है जामा मस्जिद, बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत आती है, इसीलिए मैं आया हूँ देखने के लिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। तो गाइस हम अभी जामा मस्जिद के अंदर हैं, तो बस यही है जामा मस्जिद, इसी में ही बॉलीवुड मूवीज़ की जो शूटिंग्स वगैरह होती हैं। यहाँ पे कितने पता नहीं कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं एक साथ बैठ के, 10,000 ना, 10,000 लोगों की कैपेसिटी है इस वाले जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं। तो यहाँ पे ऐसे नज़ारे मैंने पहली बार देखे हैं, मतलब इतने सारे मुस्लिम्स के बीच में मैं पहली बार आया हूँ। तो गाइस बस यही है, यही देखने के लिए हम आए थे। तो गाइस यहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते। गाइस इस वक्त हम ये वाली जो मीनार है इसके ऊपर जाने वाले हैं, तो ऊपर जाते हुए कैमरा तो अलाउड नहीं है, तो इन्होंने जमा कर लेना है, मैं वीडियो तो बना नहीं पाऊँगा, लेकिन अपने लिए तो एक्सपीरियंस देख ही सकता हूँ ना, तो फिर मैं अपने लिए जाऊँगा ऊपर, देख के आऊँगा दिल्ली का व्यू कैसा है। 120 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, 120, मेरी तो बैंड बच चुकी है, मैं इतना चला हुआ हूँ और ऊपर से अभी भी 120 सीढ़ी चढ़नी है, मैं ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका हूँ। ये कुतुब मीनार की तरह गोल गोल सीढ़ियाँ हैं और स्टेप्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो 120 सीढ़ी का मिला के चलो तो 340 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। इस सीढ़ियों की प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं रास्ता छोटा होता जा रहा है और सांस ज़्यादा चढ़ती जा रही है। अभी देखते हैं कौन आ रहा है रास्ते में और कौन नहीं। अगर यहाँ पे आओ कभी तो फिटनेस अपनी पूरी रखना जैसे कि मैंने रखी हुई है। तो गाइस यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये सारे लोग दिल्ली का व्यू ले रहे हैं, पुरानी दिल्ली का, और हम थक गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर नीचे जाएंगे। ये है व्यू, काफी मस्त व्यू लग रहा है।
दिल्ली है। कुतुब मीनार की सीढ़ियों में तो लाइट भी नहीं होती। गाइस देखा कितनी टफ है यहाँ ये मीनार का व्यू लेना, लेकिन फिर भी चलो ले लिया। आगे तो अभी और भी होता जाएगा, चक्कर आने लग गए हैं लोगों को, मुझे नहीं है बस। हाय गाइस। हाय गाइस, konnichiwa, व्हाट्स योर नेम? टाइची। टाइची, वेयर आर यू फ्रॉम? जापान। ओके गाइस, ये जापान से है, हमें यहाँ मिला था ऊपर मीनार पे, तो से समथिंग टू माय व्यूअर्स इन योर लैंग्वेज, बट से अ गुड वर्ड। ओके वर्ड, ओके गुड वर्ड, गुड वर्ड। किमोची, हाजी का किमोची। ओके, आई डोंट नो ये क्या कह रहा है, मोची मोची, बट थैंक यू सो मच, दिस इज, आई सेड थैंक यू सो मच, या थैंक यू सो मच, या मोची 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 मोची। अब हम जा रहे हैं सीसगंज गुरुद्वारे की तरफ, अभी किसी के मुंह पे कैमरा लगने वाला था, बच गया, मैं नहीं वो। आ चुके हैं हम चांदनी चौक के अंदर, पहले जैसी भीड़ भाड़ तो है लेकिन गाड़ियों की नहीं, लोगों की, और हम जा रहे हैं सीसगंज गुरुद्वारे। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, घूम रहे हैं, फिर हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं हम क्या हैं, हम भी भाई यहीं के, बस स्टाइल थोड़ा अलग। हम आ चुके हैं सीसगंज गुरुद्वारा साहब, अब यहाँ पे जोड़े जमा कराएंगे। मैं यहाँ काफ़ी सालों के बाद आया हूँ, आप हिसाब लगा लो जब से मैंने दिल्ली छोड़ी है उसके बाद मैं आया ही नहीं हूँ यहाँ पे कभी। तो यहाँ पे 4-5 रुपये लेते थे 4 सीटर वाले उस टाइम पे, और यहाँ ले आते थे मेरे घर के पास से यहाँ, और अब देख लो दिल्ली बदल चुकी है सारी। गाइस दर्शन वगैरह हो गए हैं और मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ यहाँ पे। पहले वाली जो व्यू था और अब का जो व्यू है वो काफ़ी डिफरेंट है, मेरे दिमाग में पहले वाला ही था, तो अब तो काफ़ी डिफरेंट हो चुका है यहाँ पे। गाइस ये है मेरा खाना, दाल और रोटी, मैं इसके अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें खाता नहीं हूँ, बहुत कम चीज़ें खाता हूँ। गाइस अब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर लंगर छकेंगे, काफ़ी बदल गए, मुझे तो सारी की सारी मेमोरीज पुरानी की याद है। गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रिक मशीन से रोटी बन रही है। अमीगो दे मैसिकानोस अकी टोटिला हसियोन दे कॉन मशीना दे इलेक्ट्रोनिका। आज का दिन तो मैंने काफ़ी घूमा है और काफ़ी हद तक की डेस्टिनेशंस मैंने देख ली हैं, देखते हैं शाम को मैं घूमता हूँ या रेस्ट करता हूँ, वैसे तो मैं घूमू। तो कैसा रहा दिल्ली का लास्ट दिन? भाई आज का दिन तो बड़ा मस्त था, मस्त था, हमने काफ़ी सारे डेस्टिनेशन कवर किए। हाँ, और थकावट भी नहीं हुई इतनी, अभी भी मेरे में एनर्जी है कि मैं रात को भी कहीं ना कहीं निकल सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि रात को तो मैं घूम लूँगा लेकिन अगले दिन भी मैं सीधे हॉस्पिटल में ही मिलूँगा। ये दिल्ली का ट्रैफिक है गाइस, ऑटो से ज़्यादा जल्दी पैदल पहुँच जाओगे, तो इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना हॉस्टल जो है वो चेंज कर रहा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टलर के अंदर, क्योंकि मस्टैश काफ़ी दूर पड़ रहा था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इस वजह से टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था और मैं टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ। तो गाइस ये है हॉस्टलर का डॉर्मेट्री रूम जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे इस तरह के बेड्स होते हैं, और सोलो ट्रैवलर जो कि मैं हूँ उसके हिसाब से ये ऐसे ही हॉस्टल अच्छे रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आगे और भी ब्लॉग्स आएंगे।